हेलो दोस्तों, हमारे चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और इस कंपकपाती हुई सर्दी में जैसे भी होंगे सभी लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों देखिए, ये हमने एक डंडा ले रखा है, पता नहीं किस उद्देश्य से घर पर आया था। तो मेरे मन में एक क्रिएटिव आइडिया आ गया कि क्यों ना कुछ कबाड़ सामान से और इस डंडे की मदद से एक 26 जनवरी स्पेशल कोई गार्डन के लिए गिफ्ट बनाया जाए 26 जनवरी के लिए। तो चलिए इसको कलर करेंगे, कलर करने के बाद फिर आप लोगों से मिलेंगे। इस पर हम वाइट कलर लगाएंगे। हमारे पास कलर जो है पहले से ही पड़े रहते हैं, तो इसी तरह जब कोई चीज़ की ज़रूरत लगती है तो अपना कार्य फटाफट के लिए स्टार्ट हो जाता है। तो सबसे पहले मुझे इसको ग्रीन कलर से स्टार्ट करना है। जिस तरफ हमारे नेशनल फ्लैग में तीन कलर होते हैं, मुझे इस डंडे को तीन कलर में रंग करके तैयार करना है। तो इसके लिए मुझे ये देखिए ग्रीन कलर, वाइट कलर और ये केसरिया कलर सब ले करके रखा है। सभी कलर हमारे पास पहले से ही मौजूद हैं और ये दिमाग में मेरे आ गया कि चलिए कुछ गार्डन के लिए भी कुछ अच्छा अच्छा किया जाए। तो कलर कर लेने से डंडे की खूबसूरती बढ़ जाएगी, जिंदगी बढ़ जाएगी। जहाँ ये 4 साल चलना है वहाँ ये 6 साल चलेगा। समय समय पर कलर करते रहने से चीज़ों की जो है लाइफ बढ़ जाती है और देखने में खूबसूरत लगते हैं। तो चलिए मैं सभी को कलर करके उसके बाद में मैं दिखाऊंगी आप लोगों को कि देखिए मैंने कैसे इतना सारा कबाड़ जो है बिल्कुल इतनी अच्छी चीज में तब्दील कर दिया। ये कुछ हमारे पास पहले से ही रखे हुए हैं, इन सभी को मैं इकट्ठा करके रख ली थी कि इसका कुछ ना कुछ बनाऊंगी। ये हमारी झाड़ू के हैंडल्स हैं, तो देखिए तो भी मैंने होल करके रख लिया था कि समय आने पर कुछ ना कुछ बनाऊंगी। तो इनमें भी मैं आज कोई आइडिया जरूर करूंगी। तो मैं अब आप लोगों से सभी को कलर करने के बाद में मिलती हूँ। फाइनली धीरे धीरे करके मैंने सभी को कलर कर लिया और अब ये सिर्फ इतना ही बच गया है। तो कलर कर देने से देखिए चीज़ें कैसी चमकदार बन जाती हैं, देखने में कितनी खूबसूरत लगती हैं और खूबसूरती ही मन को मोह लेती है, दिमाग को ताजगी देती है। इसलिए मैंने इन सारी बेकार पड़ी बॉटल्स को कट करके और अच्छे से धो पोंछ करके इन पर कलर चढ़ा दिया। कलर ये केसरिया कलर थोड़ा सा कुछ अलग हट करके है, लेकिन अब हमारे पास है नहीं, जैसा है वैसा मैं इस पर अप्लाई करने के लिए भरपूर प्रयास रख हूँ। धीरे धीरे हमारे ये सारे कलर जब सूख जाएंगे तब इनका आगे का लुक दिया जाएगा कि अब आगे क्या करना है। इनको सूखने में 2 दिन का समय लगेगा क्योंकि मौसम बिल्कुल ही ठंडा है, तो इनको सूखने में 2 दिन का तो समय लग ही जाएगा। और इनके सूखने के बाद में फिर आगे जो कुछ भी करना है, जो भी प्लांट लगाना है उसके लिए फिर आगे मैं सोचूंगी। अभी मैं इन सभी को कलर करके रख लिया है, जब भी जिसकी जो ज़रूरत लगेगी। एक देखिए हमारे पास PVC पाइप का जो टुकड़ा पड़ा था, मैंने इसको भी कलर कर लिया है। हर जगह नज़र दौड़ाइए, आपके आसपास जो भी कबाड़ पड़ा हुआ है उसको उठाइए, उस पर कुछ क्रिएटिविटी दिखाइए और उसको यूजफुल बनाइए। और उसके बाद में फिर आप लोग भी शेयर करिए, उसके बाद में फिर आप देखिए आपने आपको कितना अच्छा फील करेंगे कि मैंने आज ऐसा कार्य किया। ये देखिए ये सूख करके बिल्कुल तैयार हो गया है, इसको सूखने में 2 दिन का समय लगा। इसके सूखने के बाद में मैंने ये देखिए इसमें 2.5 इंच की कीले ठोक ली है, जिससे मुझे जो कुछ भी हैंग करेंगे उसको हैंग करने में मैं आसानी होगी। और ये साइड से ये हमारे पास बेकार पड़ी हुई लेस थी, तो उससे मैं इसको हैंग करने के लिए देखिए कार्नर पे दोनों तरफ मैंने इसको ऐसे
बांध दिया है ताकि मुझे कुछ भी जब हैंग करूं कहीं पर तो आसानी से मैं इसको हैंग कर सकूं। उसके बाद में मैं देखिए ये अपने गार्डन से छोटे छोटे ये सब कटिंग्स लेकर के आई हूँ। ये देखिए ये दोरियो प्लांट मैंने मिट्टी में लगा रखे थे कि इनको मैं कोई क्रिएटिविटी करूँगी तो फिर उसमें लगाऊंगी। तो ये देखिए दोरियो प्लांट हैं, चेन प्लांट के दो पौधे हैं, और ये देखिए पर्पल हार्ट है, और ये देखिए तीन पौधे हमारे पास मदर ऑफ थाउजेंड के हैं। इन सभी को मैंने सब सहेज करके रखा था कि समय आने पर मैं इनका उपयोग करूँगी। तो देखिए जितने भी हमारे पास ये छोटे छोटे मग हैं मैं इन सभी में मिट्टी भर के एक एक पौधा इसमें लगाऊंगी। देखिए ऐसे ही बनी हुई रखी है, अब सभी में मुझे एक एक पौधा लगाना है। तो चलिए मैं पर्पल हार्ट से ही शुरुआत करती हूँ। तो पर्पल हार्ट के पौधे बहुत आसानी से चल जाते हैं, और उसके बाद में सभी कंटेनर में मैं एक एक पौधा लगाऊंगी। उसके बाद में सभी को एक साथ एक ही उसमें हैंग करना रहेगा। तो देखिए दो पौधे मैंने वो लगा दिए हैं, आगे मैं दो पौधे दियो के लगा रही हूँ। सभी को लगाने के बाद मैं फिर मिलती हूँ, आप लोगों को दिखाती हूँ कि क्या करना है। तार बेकार पड़ा हुआ था तो इसको मैंने उठा करके एक किनारे पीछे गार्डन में डाल दिया था। इस समय आने पर मुझे इसका कोई ना कोई उपयोग ही करना होगा। इसके लिए मैं हैंगिंग बनाने के लिए इसके इस तरह से टुकड़े तोड़ तोड़ करके हैंगिंग में उपयोग में ले आऊंगी। फाइनली सब में हमको हैंग करने के लिए इस पतले से तार में से सपोर्ट देना होगा। पतला सा तार है, ये सक्सेस नहीं है, कुछ बन गए हैं और कुछ नहीं बन पा रहे हैं। सभी कंटेनर में देखिए मैंने मिट्टी भर करके पौधे लगा दिए हैं। सभी कंटेनर में देखिए मैंने पौधे लगा दिए हैं, छोटे छोटे कंटेनर हैं और छोटी छोटी जड़ों वाले पौधे हैं। इन पौधों की जड़ें ज़्यादा गहराई तक नहीं जाती हैं, जो छोटे कंटेनर में भी आसानी से चल जाती हैं। तार हमने तोड़ा था लेकिन हमारा ये तार सक्सेस नहीं है, तो मुझे कपड़े का सहारा लेना पड़ेगा। मैं कपड़े की पट्टी से जो बच गए हैं उनमें छोटी छोटी इस तरह की पट्टियां काट करके हैंगिंग लगा दूंगी। ये पर्दे के कपड़े भी काफ़ी मजबूत रहते हैं। फाइनली हमारे सारे कंटेनर में पौधे लग गए हैं, छोटे छोटे कंटेनर और छोटी छोटी जड़ों वाले पौधे देखने में ये बेहद ही खूबसूरत लग रहे हैं। और अब मैं इन सभी को बड़ी आसानी से ऐसे पकड़ पकड़ करके हैंग कर दूंगी। पहले हम इस स्टिक को अपनी दीवार में हैंग कर देंगे, तभी तो हमें आसानी रहेगी, क्योंकि एक एक पौधे को आराम से टांगना रहेगा। तो देखिए मैंने ये स्थान इसके लिए नियुक्त कर दिया। अब देखिए हम एक एक कंटेनर को, पहले मैं इसमें थोड़ा थोड़ा सा सब में पानी दूंगी, पानी डालने के बाद ही लगाऊंगी, नहीं तो फिर जड़ों का विकास कैसे होगा, पानी नहीं पाएंगी। तो सभी को मैंने थोड़ा थोड़ा पानी दे दिया है, सभी की आवश्यकता के अनुसार थोड़ा थोड़ा पानी सब में डाल दिया है। उसके बाद में मैं जब मिट्टी सेट हो जाएगी तो स्प्रे से पानी देते रहूंगी धीरे धीरे। अभी तो इनको बहुत थोड़े से पानी की ज़रूरत है, तो थोड़ा थोड़ा पानी मैंने सभी में डाल दिया है, क्योंकि कंटेनर ज़्यादा बड़े नहीं हैं, सर्दी का मौसम है, ज़्यादा पानी की आवश्यकता नहीं है। तो चलिए मैं एक एक पौधे को हैंग कर रही हूँ। Thank you.
ये वाला कुछ बड़ा हो गया है, तो इसको थोड़ा सा एक छोटी सी नॉट लगा करके छोटा कर देंगे, सभी बराबर के रहे। तो देखिए फाइनली मैंने सभी को हैंग कर दिया है। ये हमारा तिरंगा गार्डन कैसा लग रहा है, 26 जनवरी स्पेशल तिरंगा गार्डन मैंने बहुत ही मेहनत से इसको बनाया है, देखने में बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। अब पता नहीं है आप लोगों को कैसा लगेगा, हमने तो भाई भरपूर प्रयास किया है कि ऐसा कुछ बनाऊं जो आप लोगों को भी अच्छा लगे और देखने में अच्छा लगे और त्योहार के हिसाब से ये स्पेशल लगे। तो आप लोगों को ये हमारा वीडियो कैसा लगे, इनमें सभी में हमने कम गहराई वाली जड़ों के इंडोर प्लांट्स लगाए हैं। ये हमारे पर्पल हार्ट है, बीच में ये देखिए मदर ऑफ थाउजेंड है, इसको भी धूप की जरूरत नहीं होती है। ये हमारा एलोवेरा है, ये चेन प्लांट की कटिंग है, ये भी एक सो प्लांट है, और ये देखिए इसमें रियो का एक छोटा सा पौधा लगा हुआ है, इसमें भी मदर ऑफ थाउजेंड है और इसमें भी रियो का पौधा लगा हुआ है। तो सभी में मैंने इंडोर प्लांट लगा करके ट्रेन सेट के नीचे इसको टांग दिया है, अब बहुत ही सुंदर लग रहा है। अब आप लोग बताएंगे कि ये कैसा लग रहा है कमेंट करके, क्योंकि ये क्रिएटिव आइडिया दिमाग में आ गया कि कुछ तिरंगे साइड का बनाए जो हमारी भावनाओं से जुड़ा हुआ हो और मन को सुकून देने वाला हो। तो कैसा लग रहा है आप लोगों को ये, आप लोग हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। वीडियो कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारे इस आइडिया को आप लोग भी ऐसा करके अपने गार्डन को सजाएं, क्योंकि त्योहार हमारे जो है सब आसपास घूमते रहते हैं, तो जो हरियाली वाले हैं ये तिरंगे का है, सब जैसे भी हैं सब बनाते रहिए और त्योहारों का मजा अपने गार्डन के साथ लेते रहिए। ठीक है दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करिए, मिलती हूँ किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, खुश रहें, खुशियाँ बांटें।